हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक और नए टॉपिक के बारे में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सॉइल डैम्प के बारे में या कहीं फ्लोरेसेंस के बारे में। तो ये आपने कॉमनली अपने घरों में देखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि ये क्यों क्रिएट हो जाते हैं और इन्हें रोकने का क्या तरीका है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनका जो मेन रीज़न है क्रिएट होने का, वो है हमारा ब्रिक का मटेरियल। जो ब्रिक का मटेरियल होता है, जो हमारी सॉइल होती है जिससे हमारी ब्रिक बनती है, अगर वो सॉल्टी होगी तो ये क्रिएट जरूर होंगे। हमें फ्रेंड्स, जब भी हम अपना इमेजिनरी वर्क करवाएं तो हमें ये जानना बिल्कुल नेसेसरी है कि हमारी ब्रिक किस टाइप की है, उस वो ज़्यादा सॉल्टी तो नहीं है। हमें फ्रेंड्स, जो हमें उनका जो जहाँ से भी हम ब्रिक खरीद रहे हैं उसका रिव्यू लेना चाहिए कि इनकी यहाँ की ब्रिक या इस जगह की ब्रिक किस तरह की है, इस जगह की जो सॉइल है वो किस तरह की है, वो ज़्यादा सॉल्टी तो नहीं है। फ्रेंड्स, जिस जगह की ब्रिक ज़्यादा सॉल्टी ना हो, अपने रिलेटिव से पूछिए, अपने नोन से पूछिए, जो भी आपके जान पहचान वाले हैं या जो इस फील्ड में हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे पूछिए। तो फ्रेंड्स, उनको सारा पता होता है कि कौन सी जगह की ब्रिक सॉल्टी होती है और कौन सी जगह की नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप वही ब्रिक्स अपने घरों में अप्लाई करवाइए। तो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही होता है कि जो हमारे ब्रिक्स होती हैं उनमें जो सॉल्ट की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जब भी फ्रेंड्स हम इन्हें अप्लाई कर देते हैं, हम अपनी वॉल्स बना लेते हैं, अपनी चिमनियाँ बना लेते हैं, तो फ्रेंड्स जब हम इन पर कल को मान लीजिए बारिश हुई या कुछ भी हुआ, तो जो पानी आता है इसमें, जो ये पानी अब्जॉर्ब करती हैं, तो उसके बाद ये जो जब पानी रिलीज़ करती हैं तो उसमें सॉल्ट भी रिलीज़ करती हैं। तो इसीलिए कुछ ये इस तरह का निकल आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा एक तरीके का सॉल्ट ही होता है। अगर आप इसे टेस्ट भी करेंगे तो भी ये सॉल्ट ही निकलेगा। तो फ्रेंड्स, इसका मेन रीज़न यही होता है। तो अब इसे रोका कैसे जाए? तो अगर आपने ऐसी ईंटें लगवा ली हैं तो फ्रेंड्स, इसे रोकने का यही तरीका है कि आप अपने प्लास्टर को पूरा निकलवाइए और फिर उसके ऊपर अपनी जो सिर्फ सीमेंट की जो सीमेंट का कोट बनवाकर, एक तरह सीमेंट का लिक्विड बनवाकर पूरी तरह से वो इसके ऊपर लगवाइए। जब आप सीमेंट का एक इसके ऊपर लिक्विड लगवाएंगे तो बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं ऐसा होने के। फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसा आप कर चुके हैं और आपका फिर भी नहीं ये प्रॉब्लम ख़त्म हुई है, तो आप असफाल्ट की जो लिक्विड की लेयर होती है, जो असफाल्ट होता है, उसकी एक लेयर बनवाइए इसके ऊपर, उसे अप्लाई कीजिए, तो उससे भी इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक सिविल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खुद डिग्री की है, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, पर फ्रेंड्स मैंने जो महसूस किया है कि डिग्री में हमें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि मैं अपने जो फ्रेंड्स अभी सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करूं, ताकि जब वो अपनी साइट पर आएं तो उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ से टैकल करने के वक्त। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, रेड कलर के बटन को दबाइए, सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सिविल इंजीनियरिंग का एक प्रैक्टिकल टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो अभी के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।